इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अनामिका बिश्नोई दा उसके पति दे वल्लों ही गोलियां मार के कतल कर दिता गया। दस दिए कि नारी कलैक्शन के नाम से वह दुकान चलाउंदी सी ते दुकान के अंदर वड़ के पति दे वल्लों उसका शरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता गया। हालांकि कतल की वारदात सीसीटीवी दे विच भी कैद हुई है, जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि जो अनामिका बिश्नोई है वह कुर्सी पर बैठी है ते जिवें ही उसका पति अंदर आउंदा है किसी गल नूं लैके उन्हां दे विचकार बहस हुंदी है ते बहस इस कदर वध जांदी है कि उसका पति उसनूं मौके ते ही गोली मार के फरार हो जांदा है। कहा जा रहा है कि अनामिका बिश्नोई इंस्टाग्राम दे उत्ते काफ़ी ज़्यादा एक्टिव सी, उसदे वल्लों अक्सर राजस्थानी अते हरियाणवी गीतां दे उत्ते ज़्यादातर रील्स बना के अपलोड कीतियां जांदियां सी ते 1 लाख दे करीब उसदे टोटल फॉलोअर दसे जा रहे हैं। पर इसी दे विचकार हुण उसदी मौत दी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि पति पत्नी की आपस के अनबन रहती थी, दोवें एक दूसरे तो अलग रह रहे थे। हालांकि दोवों का एक केस जो है वह कोर्ट के विच भी चल रहा है, पर किते ना किते कहा जा सकता है कि एक वड्डी वारदात जो है हुण वापरी है, जिस दे विच उसका उसके पति दे वल्लों ही कतल कर दिता गया। तो दस दिए कि मामला जोधपुर तो सामने आया, जिथे कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का उसके पति दे वल्लों ही गोलियां मार के कतल कर दिता गया। हालांकि कहा जा रहा है कि उसके पति दे वल्लों पहला भी उसनूं कई बार जानों मारन दीयां धमकियां दित्तियां गईयां, पर हुण उन्हां दी बहस इस कदर वध जांदी है कि उसका पति ही उसनूं गोली मार के मौके तो फरार हो जांदा है। घटना का खुलासा उस समय हुंदा जदों अनामिका बिश्नोई की दुकान के एक नौजवान जांदा है ते जदों वह उसनूं बुलाउंदा तां वह नहीं बोलती, पर जब वह हेठा फर्श के उत्ते खून डुल्लिया होया देखदा है तां तुरंत इसकी सूचना पुलिस नूं दित्ती जांदी है। जदों पुलिस दे वल्लों सीसीटीवी फुटेज खंगाली जांदी है तां उस समय सारी घटना का खुलासा हुंदा है। हॉस्पिटल से खबर मिली थी कि एक महिला को लेकर आए, गन शॉट इंजरी है जिसके, तो SHO साहब वहाँ गए थे तो पता लगा उसके महिला के गन शॉट इंजरी है और वो फलोदी की नारी कलेक्शन के नाम से एक शॉप चलाती है और प्रथम दृष्टया जब CCTV फुटेज देखा है तो उसको उसके पति द्वारा ही गन शॉट इंजरी पहुँचाकर मारना प्रथम दृष्टया पता लगा है, तो पति का तलाश कर रहे हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। सर महिला कहाँ की रहने का? महिला खारा के इसका पियर खारा में है, अखारा ग्रामीण इलाका है फलोदी। क्या पता कितने टाइम से कर रही है सर? इनका आपस में कोई पहले से दहेज का मामला भी चल रहा है। अच्छा। तो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, बाकी चीज़ कर रहे हैं। पति का गांव कौन सा है? महिराम है पति का। गांव कौन सा? गांव उसका नगरा सर। नगरा महिराम। हाँ, इसके बच्चे हैं, बच्चों से थोड़ी पूछताछ कर रहे हैं। आधा वर्दिन भेजे ठीक। महिला यहाँ पे अकेली रहते? हाँ, महिला यहाँ अकेली रह के अपने नारी कलेक्शन में दुकान का काम कर रहे हैं। कितने सालों से अपने पति से अलग रही? अभी ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, अभी प्रथम दृष्टया यही पता लगा है कि इनका दहेज का मामला चल रहा है, आपस में विवाद है और CCTV फुटेज जो देखे हैं उसमें भी आपस में ये बोलचाल करते नजर आ रहे हैं। पहले झगड़ा हुआ है? हाँ, पहले कोई बातचीत हुई है, विवाद हुआ है, बातचीत विवाद फिर उसके बाद गन शॉट इंजरी।